नमस्कार दोस्तों, आज बॉलीवुड की तरफ से एक नहीं दो नहीं लेकिन खेल खेल में इन्होंने तीन फिल्में रिलीज कर डाली है और इन तीन फिल्मों में से एक फिल्म है जिसका नाम है खेल खेल में। आज हम उसी का रिव्यू करने वाले हैं। बाय द वे, बाकी दो फिल्मों का नाम है स्त्री टू और वेदा। स्त्री टू का रिव्यू हम पहले ही कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अब आते हैं खेल खेल में इस मूवी की तरफ। दोस्तों, अक्षय कुमार का इस मूवी के थ्रू उन्होंने एक नहीं लेकिन दो दो रिकॉर्ड बनाए हैं। क्या है वो रिकॉर्ड? एक रिकॉर्ड तो ये है कि एक महीने से ज्यादा पीरियड के गैप के बाद अक्षय कुमार की एक मूवी आ रही है। इतना बड़ा गैप, 30-40 दिनों का गैप उन्होंने लिया है अपनी अगली फिल्म रिलीज करने के लिए। उनकी इससे पहले वाली फिल्म थी सर फिरा, बॉक्स ऑफिस पे कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाई, लेकिन 30-40 दिनों के बाद इतना बड़ा गैप अक्षय कुमार ने लिया है और उन्होंने अपनी नई फिल्म रिलीज की है, सो उसके लिए अक्षय कुमार के लिए जोरदार तालियां। और दूसरा रिकॉर्ड ये है कि इस बार उन्होंने अपनी रेंज बढ़ाई है। किस बारे में? तो इस बार उन्होंने किसी साउथ इंडियन मूवी का रिमेक नहीं किया है, लेकिन उन्होंने एक यूरोपियन मूवी का रिमेक कर दिया। आपको तो ये पता ही होगा कि 2016 में आई परफेक्ट स्ट्रेंजर्स का ये रीमेक है, और वो भी पहला दूसरा नहीं, आई थिंक ये 20 या 25वां रीमेक है परफेक्ट स्ट्रेंजर इस मूवी का। परफेक्ट स्ट्रेंजर का रीमेक अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में किया गया था, तो भारत पीछे क्यों रहे भाई? तो भारत ने भी उसका रीमेक बना डाला और ये परफेक्ट स्ट्रेंजर्स का 25वां रीमेक है मेरे ख्याल से। 22वां तो पक्का है लेकिन 25वां रीमेक है। सो आते हैं खेल खेल में इस मूवी की तरफ। ट्रेलर देख के आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि इसकी वन लाइन क्या है। एक वेडिंग के लिए ये सारे दोस्त मिलते हैं, तो वेडिंग के जरा तामझाम से दूर ये लोग एक रूम बुक करते हैं। वहां पे रात कैसे गुजारे, तो एक आइडिया आता है कि चलो बाबा अपना मोबाइल निकालो और जिसका भी फोन बजेगा वो मैसेज या जो कुछ भी है वो पढ़ के बाकियों को सुनाएगा। अब इस खेल की वजह से सभी के लाइफ में आता है एक बहुत बड़ा तूफान। अब ये तूफान जो है वो किसको ले डूबेगा या कौन इससे बाहर निकलेगा, ये अगर आपको जानना होगा तो आपको ये मूवी थिएटर में जाके देखनी होगी। मूवी का सबसे बड़ा हुक्म का इक्का है, यस मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, हुक्म का इक्का इस मूवी का है अक्षय कुमार। अगर अक्षय कुमार इस मूवी में नहीं होते तो ये मूवी बिल्कुल भी वन टाइम वॉच भी नहीं थी। अक्षय कुमार कॉमेडी में जिस तरह से नेचुरल नजर आते हैं, पूरे फॉर्म में नजर आते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो इस मूवी में भी नजर आए हैं। काफी सारे सीन ऐसे हैं कि आपको समझ आएगा कि अगर ये सीन में अक्षय कुमार नहीं होते तो कुछ मजा नहीं आता, लेकिन अक्षय कुमार ने जिस तरह से अपना कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है वो काफी तारीफ काबिल है। काफी टाइम बाद वो कुछ कैरेक्टर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो 9 to 5 जॉब का सीन हो गया था उनका कि आओ चलो शूट करो घर पे बहुत पैसा लेके जाओ, लेकिन ये मूवी ये रोल जो है वो उन्होंने थरली एंजॉय किया है। ये स्टार्ट टू एंड हमें नजर आता है। अक्षय कुमार के बाद अगर किसी का काम अच्छा हुआ है तो वो है तापसी पन्नू का। इस मूवी को देख के आपको जरूर लगेगा कि तापसी पन्नू ने और कॉमेडी मूवीज करने चाहिए, क्योंकि कॉमेडी भी वो नेचुरली करती है। एमी के पास जितना कुछ था वो उन्हें निभाया, उनके रोल में इतना कुछ ज्यादा स्कोप है ही नहीं। फरदीन खान ने 14 साल बाद अपना कमबैक किया है और वो भी काफी अच्छा है, सो ऐसे कहा जा सकता है कि शायद उनकी सेकेंड इनिंग जो है वो इंटरेस्टिंग होगी। वाणी कपूर फिर एक बार अच्छी है, एक्टिंग से कुछ ज्यादा उम्मीद है ही नहीं, लेकिन इस मूवी का जो ग्लैमर साइड है ना वो काफी सुपर है, इतना हम कह सकते हैं। आदित्य सिल थोड़े स्टिफ नजर आते हैं उनकी भूमिका में, और साथ ही में प्रज्ञा जायसवाल भी ओके है। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि एक फैमिली एंटरटेनर है, क्लीन कॉमेडी है, किसी भी प्रकार के कुछ डबल मीनिंग या कुछ है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सारे के सारे बंदे हायर मिडिल क्लास के दिखाए और पंजाबी बैकग्राउंड के दिखाए, सो तो मास ऑडियंस जो है वो इन बड़े लोगों के साथ कैसे कनेक्ट कर पाएगी तो थोड़ा मुझे डाउट है। इसीलिए ये मूवी फिर एक बार अक्षय कुमार के फ्लॉप के कैटेगरी में ही आने वाली है, ऐसे मुझे लग रहा है, खास करके स्त्री टू की वजह से। अगर स्त्री टू नहीं होता तो शायद ये मूवी एवरेज बिजनेस करती, लेकिन फिर एक बार अक्षय कुमार के लिए कोई भी रिलीफ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। एनीवेज, अगर आपको देखना है स्त्री टू के बाद भी और एक बॉलीवुड मूवी, और वो भी एक अच्छी फैमिली एंटरटेनर अच्छी कॉमेडी के साथ, क्योंकि कॉमेडी इस मूवी का वर्क करता है, बीच बीच में थोड़ा लेक्चरबाजी भी है जो कुछ ज्यादा वर्क नहीं करती। और बॉलीवुड की फिल्मों में हमेशा ऐसा होता है कि जो हीरो है वो कभी गलत नहीं होता, इस फिल्म में भी अक्षय कुमार का जो रोल है वो उसी ट्रैक पे जाता है, लेकिन इन द एंड क्लाइमैक्स में थोड़ा बाजी पलट दी है राइटर्स ने, सो उसकी वजह से वो भी एक पॉइंट वर्क करता है। ओवरऑल नीट एंड क्लीन कॉमेडी, मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप थिएटर में नहीं जाओगे इस मूवी को देखने के लिए तो कुछ ज्यादा मिस नहीं करोगे, लेकिन जब ये मूवी ओटीटी पे आएगी तब इस मूवी को जरूर देखना, आप इस मूवी को जरूर एंजॉय करोगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो याद से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।